हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप चमेली के फूलों का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चमेली के फूलों का प्रयोग ना सिर्फ बहुत सारी औषधीय गुणों में किया जाता है, बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, बल्कि चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपके चेहरे में कई तरीके की समस्याएं हैं, जैसे कि दाग धब्बे, झाइयाँ या झुर्रियाँ या पिंपल्स के निशान, इसको दूर करने में भी ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। इसको दूर करने के साथ साथ यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे में एक नया ग्लो आएगा, चमक आएगी और आपकी जो त्वचा है बिल्कुल निखर जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बताते हैं कि आपको प्रयोग कैसे करना है। चमेली के कम से कम 30 फूल ले लीजिए और इसे फूल को पीस कर आप एक पेस्ट टाइप से बना लीजिए। इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। इस पेस्ट को जब आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, लगाने के बाद थोड़ी देर इसे रखिए और फिर इसके बाद साफ पानी से इसे धो लीजिए। इसके रेगुलरली प्रयोग करने से आपके जो चेहरे की चमक है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपके चेहरे पर एक निखार आएगा, बिल्कुल चमेली के जो फूल होते हैं उसकी तरह से आपका जो चेहरा है निखरने लगेगा और आपके चेहरे में एक नया ग्लो आएगा। इसके साथ ही अगर आपके चेहरे में कई प्रकार के दाग धब्बे या निशान हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यदि आपके घर में ये पौधा नहीं है तो इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस पौधे की ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारे इसके औषधीय गुण भी हैं और कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने में भी ये इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।